सी मानस जी के साथ तो मैं आज काम नहीं कर रही हूँ, पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ और उनके साथ मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और वो क्या चाहते हैं उनके बोलने से पहले मैं उनको बता देती हूँ, आपको ये चाहिए तो मैं एक्सप्रेशन दे ही देती हूँ, तो वो सेटिस्फाई हो जाते थे। तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी कि मानस जी को क्या चाहिए और मुझे क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं। मैंने मानस जी के साथ फर्स्ट टाइम काम किया है बट मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, कि अगर मुझे एक्सप्रेशन नहीं आया तो ही विल टीच मी एवरीवेयर, लाइक ये करो, ऐसे करना है, वैसे करना है, हमेशा मतलब लाइक सपोर्ट देते हुए खड़े रहे हमेशा। ओके, अच्छा रहा काफ़ी, बहुत ही नाइस पर्सन है, स्वीट, मोस्टली स्वीट, बहुत बहुत स्वीट पर्सन है। बुरी बात ये है कि अगर आप अपना बेस्ट नहीं देते तो आपको सामने वाले को तो गुस्सा आएगा ही आएगा, तो वी आर डूइंग लाइक बेस्ट थिंग। और कभी कुछ मतलब एक्सप्रेशन नहीं आता या कुछ नहीं होता तो ऑफकोर्स हो जाती है गड़बड़, तो एक टाइम पे इंसान को एक लेवल हाई हो जाता है, बट अच्छा था काफ़ी एक्सपीरियंस। बट अच्छी चीज़ हमेशा ही हमेशा हंसते रहते हैं, कभी भी मैंने इनको नाराज़ होते नहीं, बस वर्क के टाइम पर ही ये थोड़ा सा हो जाते हैं कि कभी नहीं मतलब लाइक समटाइम्स। अच्छी बात ये है कि मैं मानस जी को कुछ भी बोलती हूँ, अगर मैं अपनी कुछ आइडिया शेयर करना चाहती हूँ, जैसे हम कभी भी कहीं पे भी शूट पे जाते हैं, बैंकॉक मेरा पहला अब्रॉड शूट नहीं था, इससे पहले मैं मालदीव्स भी गई हुई थी, तो मैं उनको अगर कुछ अपना आइडिया सजेस्ट करती हूँ तो वो बहुत ईजीली एक्सेप्ट करते हैं, नहीं बोलते हैं कि तुम मॉडल हो तो मेरी बात मान के काम करो। और बुरी बात ये भी है, सारी बात मान भी लेते हैं। मैं बताऊँ? क्या बात है? अभी तक मैंने सिर्फ अच्छी ही देखा, बुरी कुछ देखा ही नहीं एक्चुअली में, सही में। लेकिन ये जैसा है वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, ठीक है, थोड़ा गुस्सा कर लेती है, लेकिन मैं फिर बाद में देखते हैं कि वो एक्चुअली वो सही था, अगर वो नहीं होता तो फिर गलत हो जाता चीज़ें। और ये जो भी बोलोगे, हाँ जो भी बोलोगे, ये हाँ बोलना कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर आप जो भी बोलोगे हाँ बोलते हो तो बहुत इजीली वो काम हो जाता है, तो ये इनके बारे में बहुत अच्छा है कि वो जो भी बोलोगे एक्सेप्ट कर लेती है। और ये थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाती है लेकिन वो फिर बाद में पता चलता है कि वो सही था एग्जैक्टली, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन चाहिए क्योंकि एक अच्छा काम करने के लिए। नेक्स्ट बहुत सारा प्रोजेक्ट लाइनअप हो रहा है अभी, थोड़ा जैसे कि और एक ब्रांड का शूट है हमारा, वो कुछ दिन के बाद होगा, फिर हमारा वेब सीरीज़ का जो चल रहा है उसका फाइनल हो जाएगा, अभी फ़िलहाल स्टार्ट हो जाएगा। और कैलेंडर का एक है वो आपको 2 दिन के बाद पता चलेगा, और एक कैलेंडर लॉन्च हो रहा है 14th को, वो आपको पता चल जाएगा उस दिन। एडिटोरियल कैलेंडर है वो अलग ही है, मैं आज फोरकास्ट कर लेता हूँ, उसका जो है उसका नाम है शेड्स ऑफ सी, एक औरत की, एक नारी की कितनी सेड्स हो सकती है, ये उसका कैलेंडर का थीम है। तो आप थैंक यू सो मच।